ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੀੜਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ? वो मैं घर में अपने दूध गर्म कर रही थी और वो आया, उसने कहा कुंडा खोलो। मैंने कुंडा खोला और वो मेरे पीछे पीछे घुस गया मेरे कमरे में। फिर उसके बाद उसके हाथ में तौलिया था, उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। उसने मेरे मुंह में तौलिया डाल दिया, मेरे से सांस भी नहीं लिया जा रहा था। मैंने कैसे कैसे करके उसको अपने नाखून नखून मारे, लात बात मारी। उसने जबरदस्ती करने की बहुत कोशिश की। फिर उसके बाद वो भाग गया मेरा गेट बंद करके। फिर मैंने अपने ब्रदर को फोन किया फटाफट। तो फिर पकड़ा गया वो? हाँ, पकड़ा गया। ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਦੀ ਹੀਰਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬਸਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। तो मुझे तो कुछ मालूम नहीं था, मैं फैक्ट्री में काम कर रहा था। मेरी बहन ने मुझे फोन किया तो कहती है एक लड़का जो रहता है बेड़े, उसने मेरे साथ बदतमीजी की। मैं दौड़ता हुआ घर आया तो मैंने देखा मेरे घर की गेट बंद है अंदर वाली, तो मैंने इसको कुंडा खोला। मैं इससे पूछा अभी क्या हुआ, तो कहता ऐसी ऐसी बात है। फिर मैं उसकी फैक्ट्री गया, फैक्ट्री उसके बाऊ को बुलाया, बाऊ कहता बाहर जाके जो मर्जी इसके साथ करूँ। मैं आ गया इसको यहाँ लेके, फैक्ट्री थी खूबसूरत खूबसूरत, तो मैं आया इसको बाहर लेके, मैंने इसको मारा पीटा और लोगों ने भी इसको हल्का हल्का मारा पीटा। मैंने एक दो थप्पड़ मारे बस, उसके बाद मैंने पुलिस को फोन किया। तो अभी उसको बांध कर रखा हुआ है यहाँ पे? हाँ, जो अभी तो बांध के रखा हुआ। मौके पुलिस आ गई है? हाँ, मौके पुलिस आ गई है। तो अभी क्या कार्रवाई करवाना चाहते हो? मैं यही चाहता हूँ उसको सजा मिले, आइंदा वो ऐसा काम ना करे किसी। तो आपकी सिस्टर कौन सी क्लास में पढ़ती है? 12वीं। तो जैसे अभी घर पर कोई नहीं था, आपके माँ बाप कहाँ घर गए हुए? सर मेरे माँ बाप गाँव गए किसी काम से, घर बना रहे थे, तो मैं भी गाँव जाने वाला था। इसके पेपर कर हम लोग रुके हुए थे, पेपर हो जाएंगे तो हम भी यही 19 तारीख को हमारे लोग की ट्रेन थी। तो क्या ये नया ही फायदा उठा रहा था? तो 4 साल से ये रह रहा था, मगर आज तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया, तो इसके मन में पता नहीं ऐसा क्या आ गया। तो मैं भी अभी इसके बारे में नहीं बता सकता सर, अब अंदर इसके मन में क्या चल रहा था। लुधियाना तो प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।